हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम्स वाला। और आज की वीडियो में मैं आपको आपकी यूजफुल वीडियो लेकर आया हूँ, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की तरफ से जो अभी सीईटी एग्ज़ाम किया जा रहा है और इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ट्वेल्थ लेवल का या फिर कहे तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का, जिसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। सो आज इसी के बारे में हम बात करने वाला है कि अगर आप ट्वेल्थ लेवल के सीईटी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर दिख रही होगी examswala.com, यहाँ पर विजिट करना है और इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। सो ये हमारी वेबसाइट है और इसमें स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 12/10/2022 से स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर आप 11 नवंबर तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका 12th पास होना चाहिए, साथ में कुछ वैकेंसीज के लिए आपके पास में RSCIT होनी चाहिए। ये वैकेंसी हालांकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आपको अप्लाई करना है। सो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ का लिंक है, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप राजस्थान की SSO वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID यहाँ पर सबमिट करनी है, साथ में ही यहाँ पर उस SSO ID के पासवर्ड डालना है और ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जैसे यहाँ पाएंगे इस वेबसाइट पे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रजिस्टर्ड का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड करना है और रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको आपका SSO ID और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको वहाँ उस SSO ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद में बताते हैं आपको क्या क्या डिटेल की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल, ये जो आपको दिख रहा है रिक्रूटमेंट पोर्टल, यहाँ पर एक तो 2 है और एक ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है। आपको इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ये पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपको बताया गया है यहाँ जितनी भी वैकेंसीओं के लिए अभी तक आपने अप्लाई किया हुआ है वो यहाँ पर बताई हुई है, साथ में ही आउट जो अभी अब वैकेंसी चल रही है जिनके लिए फॉर्म अभी बात करें तो SSO ID पे अभी साइट ओपन है तो वो यहाँ पर आपको बता देगा। जिसमें बात करें तो यहाँ पर अभी CET ग्रेजुएशन लेवल के और 12th लेवल, साथ में टाउन प्लानर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अभी फॉर्म ओपन है। तो आपको अगर कोई सी भी वैकेंसी के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये दिख रहा होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, साथ में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, एज वगैरह सब कुछ ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर सब कुछ मेंशन होगा। अगर कोई कॉलम में मेंशन नहीं है तो आप उसको फिल कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्पेशल, अगर आप विशेष दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपको मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपकी वाइफ का नाम आ जाएगा या फिर हस्बैंड का नाम आ जाएगा। कितने बच्चों से रिलेटेड हैं आपके तो वो ये वैकेंसी यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर रहेंगे, अगर आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर देना चाह रहे हो तो इस कॉलम में आप डाल सकते हैं। आपकी मेल आईडी, जिस भी मेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया है या फिर किसी और है आपकी, तो अगर आपने मेल आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड किया तो ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगी। अगर नहीं है तो आपको यहां पर अपनी मेल आईडी सबमिट करनी रहेगी। उसके बाद में आपको यहां पर आधार नंबर सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना एड्रेस सबमिट करना रहेगा, जैसा भी है स्टेट, पिन कोड जो है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर सबमिट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी राष्ट्रीयता, उसके साथ में आपका गृह राज्य मतलब होम स्टेट, साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी के यहाँ पर आपको कॉलम देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन कैटेगरियों में आते हैं तो आपको यहाँ पर ये कैटेगरी सबमिट कर देनी रहेगी। उसके बाद में आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपकी अगर वार्षिक आय पूरी फैमिली की 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर आपको यस करना रहेगा, अदरवाइज नो करना रहेगा। इसी के साथ में ये और आप देख सकते हैं, अगर आप निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो सेलेक्ट करना रहेगा। इसी के साथ में अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए आपको तो यहाँ पर आपको यस नो सेलेक्ट करके
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना रहेगा। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेटेड टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ इस तरीके से कॉलम देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपके फर्स्ट में आपकी टेंथ की, साथ में ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन और इसके अलावा अगर आपने कुछ किया हुआ है तो यहाँ पर आपको ये डिटेल सबमिट करनी रहेगी। आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपको कौन सी ईयर में पास आउट है, आपका कितना रिजल्ट रहा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करनी रहेगी। इसके बाद में यहाँ पर आप ये जो कॉलम दिख रहे हैं इसमें आपको राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो साथ में सिग्नेचर अपलोड करने रहेंगे। आपको इस साइज़ में अपने सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना रहेगा, साथ में एक बॉडी मार्क भी जो है आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। फोटो की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 50 KB से मैक्सिमम 100 KB के बीच में आपको JPG फॉर्मेट में अपनी फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी। अगर सिग्नेचर की बात करें तो 20 से 50 KB के बीच में आपको सिग्नेचर अपलोड करनी रहेगी, ये भी आपके JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म में डिटेल डाली है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, उसके बाद में आपको नीचे आना है, ये डिक्लेरेशन पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, फाइनल सबमिट चालान होने के बाद में आपका यहाँ पर दोबारा कोई भी डिटेल एडिट नहीं होगी, तो एक बार फिर से सारी डिटेल चेक करके ही फाइनल। दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको यहाँ पर पेज देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये जो नेम है यहाँ पर मैंने अभी हटा दिया है, यहाँ पर आपका सब कुछ डिटेल मेंशन मिलेगा और यहाँ पर आपको टोटल जो है यहाँ पर कितनी फीस देखने को मिलेगी वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको इस पे फीस पे क्लिक करके अपना चालान सबमिट कर देना है, उसके बाद में आपका फाइनल जो है फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद में आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है आगने वाले जो भी अगर आपके, इसके बाद में आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट आउट ले लीजिए और ये आपका CET के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अगर आपने हमारा चैनल टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।